हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बैकनेक डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बोट नेक पर। तो मैं इसे बना रही हूँ 32 साइज़ के हिसाब से। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बोट नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। अगर आपको बोट नेक का नाप नहीं पता है तो इसका चार्ट मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख के इसमें जान सकते हैं। और डीप नेक का जो चार्ट है वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर कर दूँगी। काफ़ी दिनों से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं इस पे काम कर रही हूँ। जल्द ही आप लोगों के साथ डीप नेक का जो चार्ट है वो मैं शेयर करूँगी, बोट नेक का चैनल पर अपलोड है। तो यहाँ पर देखिए, अस्तर के कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और टोटल लंबाई रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। बोट नेक के हिसाब से 32 साइज़ के लिए आप शोल्डर का नाप लीजिएगा 6.5 इंच और आर्म होल का नाप रखिएगा 6.5 इंच। तो शोल्डर एंड आर्म होल 6.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है। अब आप चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर नाप लीजिएगा 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। इसके बाद मैं नाप ले रही हूँ नीचे कमर की तरफ का। तो कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे हम 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देनी है और आधा इंच मैंने शोल्डर को डाउन रखा है। आर्म होल की गोलाई आपको 1 इंच पर देनी है। बैक पार्ट को कटिंग करने के बाद अब मैं कटिंग कर रही हूँ इसे मेन कपड़े पर। मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है और इसके बाद अब मैं ले रही हूँ गले का मेजरमेंट। तो गले की जो विड्थ है वो रखी है मैंने 3.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो रखी है मैंने 10 इंच और नीचे से भी नेक विड्थ लिया है 3.5 इंच। गले की जो विड्थ है उसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। गले की चौड़ाई आप 4 इंच भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देना है वी नेक, तो इस तरीके से वी गला यहाँ पर बना लेंगे। ये देखिए, गले का जो शेप है वो मैंने बना लिया है। इसके बाद मैं कर रही हूँ इसका कटिंग। तो इस तरीके से हमें गले को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जो गले की कटिंग है मेरी वो हो गई है। अब मैं कर रही हूँ इसका स्टिचिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो मेन कपड़ा है मेरा वो थोड़ा मोटा है, मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है तो आप अलग से अस्तर के कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग अटैच कर सकते हैं। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर सिलाई। तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़े को कट। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक को कट कर देना है और छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा देने हैं। ये देखिए, कट लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को हम इस तरफ करते हुए अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेंगे और कपड़े को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हमने ऊपर से भी एक सिलाई फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। हाथ से इसे अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। हाथ से कपड़े को फिनिशिंग करते जाएंगे और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर की तरफ इसे कट करके निकाल देना है। कपड़े के एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर प्लेट्स अटैच करनी है। तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच की लंबाई में दोनों ही तरफ आपको प्लेट्स लगा लेनी है। प्लेट्स लगाने के बाद कमर में नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी को लगाने से पहले एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे और अब नीचे से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे यहाँ पर। फिर हमने एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को कर लेना है अंदर की तरफ फोल्ड। ऊपर से एक सिलाई फिनिशिंग के साथ यहाँ पर लगा लेंगे।
ये देखिए बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसके ऊपर इसका डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से ही बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो देखिए पेपर को मैंने यहाँ पर बीच में से कट करके इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ा ली है। अब इसे यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर देखिए पेपर को इस तरीके से रखना है, बंद भाग को अपनी तरफ रखेंगे और बाहर की तरफ ये जो गले का फैब्रिक निकला था इसके ऊपर इसे रखकर कट कर लेंगे। बाहर की तरफ से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है कपड़े को। अब ये गले की जो पट्टी है, फैब्रिक की जो पट्टी है, ये इसी बैक पार्ट में से निकली थी, तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ और 3 से 3.5 इंच की चौड़ाई में आप इसे कट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर पट्टियों के पीस कट कर रही हूँ। आपके पास अगर अच्छा लंबा कपड़ा होता है तो आप ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, सिलाई लगाकर पट्टी को पलट सकते हैं। तो इसकी हमें पट्टियाँ तैयार करनी है। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। एक एक करके सभी पट्टियों को हमने तैयार कर लेना है फोल्ड करके। आपके पास लंबी पट्टी होती है तो आप लेंथ में बड़ी पट्टी लेकर इसे सिलाई लगाकर भी पलटा सकते हैं। पट्टियों को मैंने सिलाई लगा दी है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसे पलट लेना है। तो पेन या पेचकस की मदद से आप इसे इस तरीके से पलट करके सीधा कर लें। सभी पट्टियों को मैंने पलट करके सीधा कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देंगे। और अब मैं ले रही हूँ सुई धागा। सुई धागे से हमें इसका बो बनाना है। ये देखिए इस तरीके से सुई धागे से इसे टक करेंगे और इसे बो का लुक देंगे। बीच में मैं एक मोती लगा रही हूँ और इसे 2-3 बार सुई के अंदर से जो मोती है इसके अंदर से अंदर बाहर करते हुए अच्छे से इसे पक्का कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक पैटर्न तैयार कर लिया है, इसके बाद अब मैं दूसरा पैटर्न तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने एक एक करके सभी पैटर्न यहाँ पर तैयार कर लिए हैं जितना हमें पेपर के ऊपर लगाने हैं। और सभी को तैयार करने के बाद पेपर के ऊपर लगाएंगे। इसके दोनों तरफ हमने पाइपिंग लगानी है। ये देखिए सभी पैटर्न मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे लगा रही हूँ। तो देखिए सभी पैटर्न को एक एक करके आपको यहाँ पर रखकर चेक कर लेना है कि सभी बराबर से आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद आपको इस तरीके से इन्हें रखते जाना है एक एक करके और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा दी है, अब मैं नीचे की तरफ से लगा रही हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे इस तरीके से और दोनों ही तरफ हमने पाइपिंग लगा लेनी है। तो देखिए पाइपिंग कैसे लगाएंगे, पट्टी कट करनी है और इसे डबल फोल्ड करके आपको सिलाई लगाना है। तो मैंने ली है 1.25 इंच की पट्टी, यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और इसके बाद आपको नीचे पैटर्न को रखना है, ऊपर पट्टी को रखना है और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। अब आपको क्या करना है, सिलाई के बिल्कुल पास से, सिलाई ना कटे बस इसका ध्यान रखना है, इसके पास से एक जैसा कपड़ा आपको कट करना है, तभी पाइपिंग जो है वो अच्छी बनेगी। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे पाइपिंग बनाते हुए।
तो देखिए, एक तरफ की पाइपिंग मैंने बना ली है, अब मैं बना रही हूँ दूसरी तरफ की। तो पाइपिंग की जगह आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, पैटर्न मेरा बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद मैं इसे अटैच कर रही हूँ ब्लाउज़ के साथ। तो पहले आपको इसे बराबर करके चेक कर लेना है कि ये पैटर्न बराबर से आ रहा है या नहीं, इसके बाद ही आप इसे अटैच कीजिएगा। तो यहाँ पर रखेंगे और अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। फिर हमने दूसरी तरफ से भी बराबर करके इसे रख लेना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर मैंने इसे तैयार कर लिया है और इसके बाद देखिए, अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लेस। तो लेस को हमने इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं या फिर लेस भी लगा सकते हैं। ये देखिए, दूसरे किनारे पे भी मैंने सिलाई लगा दी है लेस के। अब इसका जो पेपर है ये हमने निकाल देना है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, पाइपिंग भी अच्छे से हमने लगा ली थी यहाँ पर, और ये डिज़ाइन जो है वो इस तरीके से दिखेगा। गले के बीच का जो फैब्रिक निकला था, इससे आप यहाँ पर वो बनाकर नीचे की तरफ अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का मेरा ये डिज़ाइन बन करके पूरा हुआ। आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।